अगस्त किन्नौर भारत टाइम्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, यहीं से शुरू करता हूँ मैं। ये एक फर्जी कागजात से प्लाट पर कब्जा करता, फिर मालिक को बेच देता। इस व्यक्ति का नाम अभयवीर बत्रा दिया गया है और उस पर 17 मुकदमे दिखाए गए हैं, 17 मामले दर्ज हैं। मैं आपके सामने जरिए समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ। और 2002 में इसकी कंपनी जो कि महिपालपुर में थी, सस्ते लोन के नाम पर धोखा देती थी लोगों को। मैं भी इसका शिकार बन चुका हूँ और मैंने वो शिकायत नॉर्थ ब्लॉक के गृह मंत्रालय में दी थी। मेरी शिकायत महिपालपुर पुलिस चौकी में भेजी गई, जहाँ आरोपी के भाई ने अतुल बत्रा जो कि वकील है, मुझे 4200 रुपये वापस किए और केस दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि पैसा दे दिया था तो केस नहीं बना। इसके बाद 2002 के आसपास, ये 2002 का मामला है, एक साल बाद इस व्यक्ति के बारे में फिर से अखबार में आया। बहुत बड़ी खबर थी, बड़ा कैप्शन थी कि लोगों को चूना लगा करके ये लोग गंगा नहाने जा रहे हैं। मैंने वो कटिंग रखी थी, लेकिन वो अखबार की कटिंग मुझे मिली नहीं है। अब मैं इसके बारे में एक बात आपको बता देता हूँ। ये व्यक्ति सस्ते लोन के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता है। पहले कुछ पैसे लिए जाते हैं, 2000, 4000, 5000 मांगे जाते हैं, उसके बाद उनको आश्वासन दिया जाता है कि आपकी फ़ाइल अप्रूव हो गई है, और पैसे मांगता है। इस तरह से पैसे मांगता रहता है, कोई काम नहीं करता। मेरे को साथ क्या हुआ, जब मैं देखता हूँ इसका भाई जो वकील है, जो शातिर है, जो इसे बचाता है, वकील एक भाई अपराध करता है और दूसरा उसे बचाता है। आज इसके ऊपर 17 मुकदमे तो वो हैं जो दर्ज हुए हैं। ये बात आप जानते होंगे कि समाज का हर आदमी मुकदमे नहीं करता, किसी को 2000, 4000, 5000 का नुकसान होता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इसने न जाने कितने लोगों को लूटा है, कितने लोगों की संपत्तियों पर कब्जे किए हैं। ये मुझे दुख है, अखबार में विज्ञापन देने के बाद भोली भाली जनता विज्ञापनों के लालच में आकर के, सस्ते के लालच में आकर के, लोन के लालच में आकर ठगी का शिकार होती है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, बेल करा रहा है इसको, सारे कानून दाव पे जानता है, एक वकील है, बहुत कुछ कर सकता है, और फिर करोड़ों की संपत्ति है इसके पास। ये पुलिस को भी खिलाता होगा निश्चित रूप से, जजों तो पैसा पहुंचता होगा। दूसरी बात, जनकपुरी में, दिल्ली के जनकपुरी पंखा रोड पे इसकी एक सावित्री मार्केट है। मैंने जो तफ्तीश की थी, मुझे पता चला था इसके, मेरे पास अपना साधन नहीं है, मैं जा नहीं पाया, लेकिन जब भी ये खबर दोबारा आई मैं परेशान था, मैं वो पेपर ढूंढ रहा था, अगर मिलता मैं आपको फिर से पेपर दिखाता। नव भारत टाइम्स थी, मैंने पता किया था, जब तो मुझे पता चला सावित्री के आरोपी का आरोपी है, इसकी शायद पत्नी का नाम सावित्री है और वो मार्केट सावित्री मार्केट के नाम से, इसकी तफ्तीश की जानी चाहिए। सरकारी दफ्तर हो, पुलिस हो, अदालतें हों, भ्रष्टाचार। आपने ये जो आरोपी है इसकी शिकायत क्या कभी मोदी सरकार के आने के बाद कभी आपने गृह मंत्रालय को करी? नहीं, कि इस तरह से हो रहा है? नहीं, जब मेरे साथ हुई थी मैंने गृह मंत्रालय को करी थी। उसकी प्रेशर से, उसके दबाव से आरोपी पुलिस थाने में आकर के, पुलिस चौकी में आकर के मुझे पैसे वापस करके आया है। इतने लोगों को लूटा है, क्या उन लोगों को पैसा वापस दिलाया गया है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो लोग लूट गए हमने उनके साथ तो इंसाफ किया नहीं, अदालतें किस लिए हैं फिर? अगर ये आदमी लोगों को करोड़ों रुपए लूट के वकील की मुट्ठी गर्म करता है, या पुलिस को देता है, या अदालतों में देता है, तो अन्याय तो उन लोगों के साथ हो रहा है जो लूट रहे हैं। इंसाफ कहाँ है फिर? आप इस बात को ऐसे देखिए ना।